ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। निम्न सरल रेखा की समीकरण के कुल का इन्वलूप ज्ञात करो, जहां टी पराचल है और समीकरण आपको दे रखा है एक्स कोस टी प्लस वाई साइन टी बराबर ए प्लस ए कोस टी लॉग टेन टी बाई टू। ओके ठीक है ना, हल करता हूँ बेटा। दिया है सरल रेखा का समीकरण क्या दे रखा है भाई, एक्स कोस टी प्लस वाई साइन टी इज इक्वल टू ए प्लस ए कोस टी प्लस लॉग टेन टी अपॉन टू। ओके, मैं कह रहा हूँ कि इसको मान लिया समीकरण नंबर एक। समीकरण एक को कोस टी से भाग करने पर फायदा देखना बेटा क्या होगा। मेरे पास निकला एक्स कोस टी को भाग दे दिया मैंने कोस टी से, प्लस वाई साइन टी को भाग दिया मैंने कोस टी से, इज इक्वल टू ए अपॉन ये बना कोस टी प्लस ए कोस टी डिवाइडेड बाई। बेटा यहाँ गुना का निशान नहीं है, ध्यान से देखना आप, दोनों के बीच में गुना है। ए कोस टी डिवाइडेड बाई मेरा कितना हुआ, कोस टी इंटू लॉग टेन टी बाई टू। क्लियर है ना, ये गुना का निशान है यहाँ। ओके भाई, मेरे पास जो निकला कोस टी से तो कोस टी ख़त्म, एक्स प्लस वाई साइन टी बटे कोस टी कितना निकल गया टेन टी इज इक्वल टू ए अपॉन कोस टी, बोले तो ए सेक टी प्लस कोस टी से कोस टी कैंसिल ए लॉग टेन टी बाई टू। क्लियर, एक बार और लिख रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ यहाँ ये गुणा का निशान है बेटा, एक बार और लिख रहा हूँ, एक्स प्लस के वाई टेन टी इज इक्वल टू ए सेक टी प्लस ए लॉग टेन टी बाई टू। ओके, क्वेश्चन के अंदर पराचल जो दे रखा है टी पराचल है। ओके ध्यान से देखो, टी क्या है, पराचल है, पता है टी के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर आंशिक अवकलन करने पर इधर मेरे पास कितना निकला भाई, डी ओवर डी टी एक्स प्लस डेल ओवर डेल टी डेल ही ओवर डेल टी कितना भाई, वाई टेन टी इज इक्वल टू डेल ओवर डेल टी कितना होएगा ए सेक टी प्लस डेल ओवर डेल टी ए लॉग टेन टी बाई टू। ओके भाई, ये मेरे पास जो डेल ओवर डेल एक्स है विद रिस्पेक्ट टू टी जो डिफरेंशिएशन किया जा रहा है, ये तो हुआ ज़ीरो, प्लस वाई हो चुका मेरा कांस्टेंट, ये हुआ डेल ओवर डेल टी टेन टी। ओके इज इक्वल टू ए मेरा कांस्टेंट डेल ओवर डेल टी यहाँ कितना है भाई सेक टी प्लस ए कांस्टेंट डेल ओवर डेल टी
log tan t by 2, ओके, नो प्रॉब्लम। आगे की तरफ चलता हूँ, ये तो निकला मेरा 0 प्लस y, tan t का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर t, कोई दिक्कत तो नहीं है, बराबर। यहाँ मेरे पास कितना निकला भाई, a इंटू sec x का डिफरेंशिएशन sec t इंटू tan t प्लस log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन tan t बाई 2, और ये ऊपर है मेरा इंटू a, और जिसको मैंने x मान रखा है उसका फिर से डिफरेंशिएशन tan t बाई 2। क्लियर हो चुकी बात, आगे की तरफ चलता हूँ, एक बार फिर लिख रहा हूँ, आपका कोई डाउट नहीं लगना चाहिए। कितना आ रहा है मेरे पास भाई, मेरे पास जो आ रहा है वो ये आ रहा है भाई, ये तो निकला मेरा वाई सेक स्क्वायर टी इज इक्वल टू ए सेक टी टेन टी प्लस, यहाँ कितना हुआ ए अपॉन टेन टी बाई टू, जिसको एक्स मान रखा है उसका टी के सापेक्ष डिफरेंशिएशन टेन टी बाई टू, ओके। आगे की तरफ चलता हूँ भाई, कितना निकल गया मेरा, ये निकला वाई सेक स्क्वायर टी इज इक्वल टू ए सेक टी टेन टी प्लस ए अपॉन टेन टी बाई टू इंटू टेन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर टी अपॉन टू, और जिसको एक्स मान रखा है उसका फिर से डिफरेंशिएशन, नो प्रॉब्लम। आगे चलता हूँ भाई, यहाँ के बाद मेरे पास कितना निकला भाई, ये स्टेप तो बना वाई सेक स्क्वायर टी इज इक्वल टू ए सेक टी इंटू टेन टी प्लस, ये कितना बना ए सेक स्क्वायर टी अपॉन टू, टी अपॉन टू का डिफरेंशिएशन हुआ 1, दो कॉन्स्टेंट है इधर आ चुका, इंटू टेन टी बाई टू, नो प्रॉब्लम। आगे की तरफ चलता हूँ भाई, मैंने क्या किया, मेरे पास जो रिजल्ट आया है यहाँ से बेटा, ध्यान से देखना, वाई सेक टी इज इक्वल टू वाई सेक स्क्वायर टी इज इक्वल टू ए सेक टी इंटू टेन टी एज इट इज सेक टी इंटू टेन टी एज इट इज प्लस ए अपॉन सेक स्क्वायर टी को लिख सकता हूँ मैं कोस स्क्वायर टी बाई टू बटे टू इंटू टेन टी बाई टू को लिख सकता हूँ साइन टी बाई टू बटे कोस टी बाई टू, नो प्रॉब्लम। आगे देखता हूँ भाई, यहाँ से मेरे पास निकला वाई इंटू सेक स्क्वायर टी इज इक्वल टू ए इंटू कोस टी को लिख सकता हूँ मैं सेक टी को वन अपॉन कोस टी इंटू टेन टी को लिख सकता हूँ मैं साइन टी बटे कोस टी, नो प्रॉब्लम। प्लस ये पहुँचा मेरा सबसे ऊपर ए इंटू कोस टी अपॉन टू तो निकला ये, और ये आए एक साथ टू साइन टी अपॉन टू इंटू कोस स्क्वायर टी अपॉन टू, क्लियर। इस पावर से ये कैंसिल, नो प्रॉब्लम। आगे चलता हूँ, वाई सेक स्क्वायर टी इज इक्वल टू ए इंटू, ध्यान से देखना इसको ऐसे ही चेंज कर रहा हूँ, वन अपॉन कोस टी तो हुआ मेरे पास सेक टी इंटू, ये हुआ मेरे पास साइन टी, और वन अपॉन कोस टी को मैं लिख सकता हूँ सेक टी प्लस ए अपॉन, ये मेरे पास कितना निकला टू साइन टी अपॉन टू और कोस टी अपॉन टू, नो प्रॉब्लम।
यहाँ से निकला वाई सेक स्क्वायर टी इज इक्वल टू ए इंटू सेक टी, सेक टी सेक स्क्वायर टी, एनी प्रॉब्लम, प्लस ए अपॉन टू साइन टी बाई टू कोस टी बाई टू, कितना निकल गया भाई साइन टी, नो प्रॉब्लम। आगे चलता हूँ भाई, मेरे पास यहाँ से जो निकला एक मैंने छोड़ दिया है यहाँ पे इंटू साइन टी भी है बेटा। देखो आप ए सेक टी इंटू साइन इस बी टी है, सेक टी इंटू साइन टी, नो प्रॉब्लम। आगे देखता हूँ कितना निकला वाई सेक स्क्वायर टी इज इक्वल टू, कितना हो गया भाई, एक तो है ए साइन टी इंटू सेक स्क्वायर टी प्लस ए अपॉन साइन टी। आगे की तरफ चलता हूँ, यहाँ से मेरे पास क्या निकला बेटा वाई इज इक्वल टू सेक स्क्वायर टी से डिवाइड लगा दो आप ए साइन टी इंटू सेक स्क्वायर टी डिवाइडेड बाई सेक स्क्वायर टी प्लस ए अपॉन साइन टी इंटू सेक स्क्वायर टी, यानी आपत्ति, नो। आगे की तरफ देखता हूँ बेटा क्या हो रहा है, यहाँ से मेरे पास जो रिजल्ट आया बेटा सीधा सीधा ये निकला भाई सेक स्क्वायर से तो सेक स्क्वायर ख़त्म, वाई इज इक्वल टू ए साइन टी प्लस ए अपॉन साइन टी इंटू सेक स्क्वायर टी, एनी प्रॉब्लम। वाई इज इक्वल टू, मैंने क्या किया ए कॉमन ले लिया, मेरे पास बचा साइन टी प्लस वन अपॉन साइन टी इंटू सेक स्क्वायर टी, क्लियर है ना। आगे देखता हूँ क्या होगा, यहाँ से मेरे पास क्या निकला बेटा वाई इज इक्वल टू ए इंटू साइन टी तो मेरा ये है प्लस वन अपॉन साइन टी तो ये हुआ इंटू वन अपॉन सेक स्क्वायर टी हुआ मेरा ये, एनी प्रॉब्लम। यानी वाई इज इक्वल टू मेरा निकला ए इंटू साइन टी प्लस ऊपर मेरे पास बना वन अपॉन साइन टी इंटू वन अपॉन सेक स्क्वायर टी बोले तो कोस स्क्वायर टी, एनी प्रॉब्लम। यहाँ से निकला वाई इज इक्वल टू ए इंटू साइन टी तो ये हुआ प्लस कोस स्क्वायर टी डिवाइडेड बाई साइन टी, एनी प्रॉब्लम, नो। वाई इज इक्वल टू ए इंटू मैंने साइन टी एलसीएम ले लिया, यहाँ बना साइन स्क्वायर टी प्लस कोस स्क्वायर टी, ओके। मेरे पास फार्मूला होता है बेटा साइन स्क्वायर टी प्लस कोस स्क्वायर टी इज इक्वल टू वन, ओके। मेरे पास कितना निकल गया भाई वाई इज इक्वल टू ए इंटू वन अपॉन साइन टी, यानी वाई इज इक्वल टू निकला मेरे पास ए अपॉन साइन टी, एनी प्रॉब्लम, ओके। ध्यान से देखना बेटा, मेरे पास जो समीकरण दे रखी है उसके अंदर ये वैल्यू डालूंगा मैं, मेरे पहले समीकरण लिख रहा हूँ बेटा y का यह मान, इसको मान लो आप समीकरण नंबर दो, ओके। देखना क्या है y का यह मान, पहले समीकरण नंबर दो लिखो आप कितनी है समीकरण नंबर दो, ये मेरी भाग देने के बाद जो समीकरण आई थी मैंने cos t से जो भाग दिया था उसके बाद जो समीकरण निकली थी वो लिख रहा हूँ, पहले कितनी है x प्लस कितनी है भाई, समीकरण है एक्स कितनी है मेरी समीकरण भाई, यहाँ लिख रहा हूँ समीकरण है मेरी ये वाली एक्स प्लस वाई टेन टी
इज इक्वल टू है ए sec t प्लस ए log tan t बाई टू। ये है मेरे पास समीकरण नंबर दो। ओके, मैं क्या कह रहा हूँ बेटा, y बराबर, देखना, y बराबर a अपॉन sin t समीकरण दो में रखने पर देखता हूँ मेरे पास क्या निकलता है। x तो मेरा है जी टीज, x प्लस y की वैल्यू कितनी डालनी है मेरे को, a sin t, a इंटू y की वैल्यू sin t इंटू ये हुआ मेरा tan t, इज इक्वल टू मेरे पास निकल गया a sec t प्लस a log tan t बाई टू। क्लियर है ना, आगे चलता हूँ भाई। अगले वाले स्टेप के अंदर क्या हुआ बेटा, यहीं से देख रहा हूँ आगे की तरफ, मेरे पास जो निकला x तो हुआ है जी टीज प्लस a अपॉन sin t, tan t को क्या लिख सकता हूँ भाई मैं, sin t बटे cos t इज इक्वल टू ए sec t प्लस ए log tan t बाई टू। क्लियर, आगे की तरफ चलता हूँ। यहाँ से मेरे पास जो रिजल्ट आया बेटा, कितना रिजल्ट आया भाई, ये तो इससे कैंसिल, x प्लस a अपॉन cos t तो बना ये बराबर इस तरफ आया a sec t। क्लियर है ना, एक तो निकला मेरे पास कितना a sec t प्लस a log tan t अपॉन टू, इसको लिख सकता हूँ बेटा x प्लस वन अपॉन cos t a sec t इज इक्वल टू a sec t प्लस a log tan t अपॉन टू। मेरे ख्याल से कैंसिल आउट हो चुके, x बराबर निकला बेटा कितना निकला a log tan t अपॉन टू, a को इधर ले करके आया मैं, x अपॉन a मेरे पास निकला log tan t अपॉन टू, इसको मान लिया मैंने समीकरण नंबर a। ध्यान से देखना बेटा, अगर बाय चांस मैं x की जगह a में दोनों ओर माइनस वन से गुणा करने पर ओके इस तरह मेरे पास निकला माइनस एक्स अपॉन ए इज इक्वल टू माइनस वन इंटू लॉग टेन टी अपॉन टू। मेरे पास फार्मूला होता है बेटा लॉग एम की पावर एन बराबर होता है एन लॉग एम, इस कंसेप्ट का मैंने यूज़ किया। मेरे पास यहाँ से निकला बेटा माइनस एक्स अपॉन ए बराबर, ये पावर पहुँच गई लॉग टेन टी अपॉन टू की पावर माइनस वन। क्लियर है ना, माइनस एक्स अपॉन ए बराबर मेरे पास निकला लॉग, इसको क्या लिख सकता हूँ भाई, वन अपॉन टेन टी बाई टू। एनी प्रॉब्लम, यहाँ से निकला एक्स अपॉन ए बराबर लॉग वन अपॉन टेन थीटा कोट टी बाई टू, इसको मान लिया मैंने समीकरण नंबर बी। इसके नीचे बेटा समीकरण नंबर ए लिख रहा हूँ, समीकरण नंबर ए है एक्स अपॉन ए बराबर मेरे पास आया है लॉग टेन टी बाई टू, ये है मेरे पास समीकरण नंबर ए। ओके, आगे चलता हूँ। यहाँ तक अगर आपका कोई डाउट है, पहले समीकरण नंबर ए की बात कर रहा हूँ बेटा,
अगर मैं इसके ऊपर से लॉग हटाता हूँ तो ये होगा, इधर आने के बाद होगा e की पावर x अपॉन a बराबर हो जाएगा tan t बाई टू। ध्यान से देखना, इस पे लिख रहा हूँ अगर आपका डाउट है। पहले मैं a लिख रहा हूँ बेटा, a है मेरे पास कितनी, x अपॉन a बराबर है log tan t बाई टू। लॉग प्रॉपर्टी का यूज़ किया, ये मेरे पास समीकरण नंबर a है, मैंने लॉग प्रॉपर्टी का यूज़ किया, ये चेंज हुआ e की पावर x अपॉन a बराबर हुआ tan t बाई टू। ये तो है मेरे पास समीकरण नंबर a। इसी प्रकार माइनस x अपॉन a बराबर कितना है भाई, log cot t अपॉन टू। ये मेरे पास समीकरण नंबर b है। इसको देखना मैं क्या कर रहा हूँ, कितना निकल गया मेरे पास भाई, ध्यान से देखना बेटा। अगर मैं इसके ऊपर log प्रॉपर्टी का यूज़ करता हूँ, ये निकलेगा e की पावर माइनस x अपॉन a बराबर हो जाएगा cot t अपॉन टू, समीकरण नंबर बी। मैंने क्या किया, मैं कह रहा हूँ ए प्लस बी करने पर दोनों को जोड़ दिए, मेरे पास इधर निकला बेटा ई की पावर एक्स अपॉन ए प्लस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन ए बराबर, इधर मेरे पास कितना निकला, यहाँ निकला मेरे पास टेन टी अपॉन टू प्लस कोट टी अपॉन टू। नो प्रॉब्लम, एक फार्मूला होता है बेटा ई की पावर एक्स अपॉन ए प्लस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन ए बराबर जो होता है बेटा, फार्मूला होता है टू कोस हाइपरबोलिक एक्स अपॉन ए। मैंने इस सूत्र का यूज़ किया, ट्वेल्थ क्लास का फार्मूला है, मेरे पास इधर निकला, कितना निकल गया e की पावर x अपॉन ए प्लस e की पावर माइनस x अपॉन ए, ये वाली साइड निकली टू कोस हाइपरबोलिक x अपॉन ए बराबर, इधर कितना निकला भाई, इसको लिख सकता हूँ बेटा साइन t अपॉन टू बटे कोस t अपॉन टू प्लस कोस t अपॉन टू बटे साइन t अपॉन टू। मैंने दोनों का गुणा किया, मेरे पास निकला टू कोस हाइपरबोलिक एक्स अपॉन ए बराबर, अंदर गुणा किया साइन स्क्वायर टी अपॉन टू प्लस कोस स्क्वायर टी अपॉन टू बटे कोस टी अपॉन टू साइन टी अपॉन टू। साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा वन के बराबर हो चुका, कितना निकला भाई टू कोस हाइपरबोलिक एक्स अपॉन ए बराबर, यहाँ तो निकला ऊपर वन बटे, ये निकला पहले साइन लिख दिया साइन टी अपॉन टू कोस टी अपॉन टू, इस टू को इसके बटे में लेकर के गया, मेरे पास निकला कोस हाइपरबोलिक एक्स अपॉन ए बराबर वन अपॉन टू साइन टी अपॉन टू इंटू कोस टी अपॉन टू, कितना निकल गया भाई कोस हाइपरबोलिक एक्स अपॉन ए बराबर, यहाँ से कितना निकला टू साइन टी कोस टी, ये मेरे पास आ चुका साइन टी। यहाँ तक अगर आपकी कोई आपत्ति है, आपकी कोई प्रॉब्लम है, आप मेरे से पूछ सकते हो। आगे देख रहा हूँ बेटा, मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से वैल्यू निकालूंगा साइन टी की, इधर कैलकुलेट कर रहा हूँ, रिजल्ट आ जाएगा मेरे पास। आपकी कोई आपत्ति है, आपका अगर कोई डाउट है, आप डायरेक्टली मेरे से पूछ सकते हो बेटा, ओके। आगे देखता हूँ मेरे पास कितना निकला हुआ है अभी तक, मेरे पास निकला हुआ है बेटा कोस हाइपरबोलिक एक्स अपॉन ए बराबर वन अपॉन साइन टी, ओके। मेरे पास एक रिजल्ट आया था बेटा, कितना रिजल्ट आया था ध्यान से देखना, मेरे पास रिजल्ट क्या था, सीधा लिख रहा हूँ, चूँकि वाई बराबर कितना है भाई
ए अपॉन साइन टी, साइन टी की वैल्यू निकालो, यहाँ से मेरे पास निकलेगा साइन टी बराबर कितना होगा बेटा ए अपॉन वाई से। मेरे पास फाइनली कितना निकला भाई, ये हुआ मेरे पास कोस हाइपरबोलिक एक्स अपॉन ए बराबर वन अपॉन साइन टी की वैल्यू ए अपॉन वाई। ओके, मैंने इसकी गुणा कर दी, मेरे पास निकला कोस हाइपरबोलिक एक्स अपॉन ए बराबर वाई अपॉन ए, ए की क्रॉस गुणा की, कितना निकला ए कोस हाइपरबोलिक एक्स अपॉन ए बराबर वाई, यानी वाई बराबर जो निकला मेरे पास ए कोस हाइपरबोलिक एक्स अपॉन ए, और यही मेरा एनवलूप है, एनवलूप होगा। ओके, आपका कोई डाउट है आप मेरे से डायरेक्टली पूछ सकते हैं, बाय। और हाँ, लास्ट में बच्चों आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरी वीडियोज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, मेरे चैनल का नाम मैथमेटिशियन विंग्स है, बाय।